wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। और भाई अभी हम हैं यहाँ अपने लोकल में ही, तो आज भाई हमने प्लान किया ऑफ रोड राइड और साथ में अपने भाई राहुल। तो अभी निकलते हैं यहाँ से वैंकर ऑफ रोड के लिए, क्योंकि भाई मौसम आप देख रहे हैं, सूरज तो निकला और गर्मी बहुत है, लेकिन बादल जो है काले छाए हुए हैं और सड़कें जो हैं आजकल आपको पता है सेफ़ नहीं है राइडिंग के लिए, क्योंकि बाइक स्किट होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो भाई आज हम करेंगे ऑफ रोडिंग और आप लोकेशन देख लेते हैं। भाई और जगह पे पूरा पानी भी आ रखा है बीच में खड्ड में। तो भाई अभी तो हम लोकल सड़क पे है, ये गांव को जाती है सड़क भाई। तो इसके बाद जो आगे आएगी भाई जगह, वो आएगी प्योर ऑफ रोड, वहाँ पे भाई कोई भी नहीं जाता है, सिर्फ खड्ड ही जाती है। तो वहाँ करेंगे अभी कुछ, पहले यहाँ पे एक व्हीली मारते हैं एंकर। तो भाई आज तो आने वाला है एंकर, गलत ही मजा। राइड में आजकल ऐसा हो गया, आपको पता है बरसात चली हुई है और वीडियो बन नहीं पा रही है, तो फिर आज ऑफ रोडिंग ही। तो भाई यहाँ से सिर्फ ट्रैक्टर जाता है नीचे को और आप सड़क देख रहे हैं वैंकर। उनको करते हैं पहले यहाँ से आगे और सड़क आप देख रहे हैं वैंकर, यहाँ पे भाई खड़े होकर निकलना पड़ेगा और पानी बहुत ज़्यादा है आज तो भाई, डर्टी राइड होगी डर्टी। तो भाई आज तो घातक ऑफ रोडिंग होने वाली, क्योंकि पूरी की पूरी जो सड़क थी गाड़ियों ने बनाई वो तो पलट चुकी है और अब सिर्फ यहाँ पे ये खड्ड ही रहेगी भयंकर भाई पानी वाली। तो भाई भीगना शुरू हो गया और पीछे से भी हालत लग पड़ी धीरे धीरे खराब होने भाई। तो भाई चलो आगे सीधा नीचे। भाई भाई पार्क हो गई और कपड़े भी गंदे हो गए हैं भाई। एक चीज जो हमें करनी पड़ेगी अब इसको निकालने के लिए, पहले हो तो भाई निकल गई और राहुल को फिर से कर दिया हमने आगे, ताकि भाई आपको पता लगे कि ऑफ रोड एक्चुअल में कैसा है। भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑफ रोड है भाई ये पानी और साथ में, और ये राहुल ने भाई भगा दी है बाइक अपनी। Oh.
निकल हो चल भाई पानी की बौछार। और ये आ गई भाई लास्ट में एक बांह। भाई वैसे तो सड़क यहाँ से थी चढ़ने को, लेकिन ये तो पूरी की पूरी ख़राब कर दी है। अब यहाँ से आके कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई हमें। वैसे चढ़ने को तो इस रास्ते पे चढ़ जाएगी, लेकिन सफाई करनी पड़ेगी भयंकर थोड़ी बहुत। और बाकी नहीं तो वैसे यार यहाँ से फिर इन्होंने रास्ता ही क्लोज कर दिया आगे तक। ओ भाई दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, बट वी हैव टू गो अपसाइड। चलेंगे भाई हम दूसरे ट्रैक पे फटाफट से, क्योंकि भाई ये ट्रैक तो बंद हो गया है। क्योंकि पहले यार सड़क थी, मतलब यहाँ पे बढ़िया थी यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं होता था भाई। तो भाई बच गया वे। भाई बाल बाल बच गया, न तो अभी गया था मैं तो भाई कसम से बुरे हाल से गिरना था भयंकर। तो भाई बिजली मारी जाती कुछ इस तरह। राहुल का जो टायर है वो काफी बुरी तरह रोल कर रहा था। और भाई पहले हम गए थे भाई ऑफ रोड, अब हम जाएंगे जंगल की तरफ। मेरे ऊपर भाई बैठने के लिए काफी मस्त जगह है। तो भाई ये सड़क भी गांव के बीच से होती है, आप देख रहे हैं। लोकेशन चेक कर रहे कितनी पतली गली है। और भाई आजकल आपको पता है बरसात के मौसम में सब कुछ भाई एकदम हरा भरा हो जाता है, ग्रीन, फुल ऑन ग्रीन भाई साहब। और अब यहाँ से होगा ऑफ रोड, चलो आगे सीधे ऊपर। चल तो भाई बुरी तरह फंस चुके हैं दोनों बंदे। ओ चल 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 जान दे। तो भाई मुझे तो बैक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बुरी तरह फंस चुकी है। क्योंकि भाई ग्रीनरी की वजह से भाई घास जो है वो ग्रीन हो रखी है, और बाकी बाइक की आप टायर की हालत आपको पता ही है। तो भाई ये रही लोकेशन, टायर देख रहे हो भाई पूरी की पूरी मिट्टी भर गई यार, तभी ऊपर नहीं चढ़ रहा था।
और बाकी भाई आप देख सकते हैं कीचड़ से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, भयंकर। और ये रहे भाई कुछ लोकेशन पीस में, आजकल भाई हरियाली ज़्यादा नहीं तो आपको आगे तक भी लेके जाते भाई, इस रास्ते में आगे भी जा सकते हैं हम, वो जा रही है भाई यहाँ से सड़क, लेकिन आगे जाके ये रास्ता जो है मतलब क्लोज हो जाता है, मेन जो यहीं तक आता है भाई। निकलते हैं यहाँ से। ओह भाई घास में ड्रिफ्टिंग हो रही है पूरी, और भाई काफ़ी खड़ी उतराई है ये, आप देख रहे हैं भाई राहुल सीधा नीचे जा रहा है भाई। ओह खिसका मत खिसका, ओ रुक रुक, ओ रुकी रुकी, अगे लवाई ली गां सीधी कर ले चड़ा चड़ा। तो भाई ये बड़ी गेम होती भाई बरसात के मौसम में यार, बाइक का टायर स्किट हो गया और बंदे का भाई पैर आप देख रहे हैं यहाँ से निचाई कितनी ज़्यादा नीचे को, और पैर लगा नहीं भाई तो बंदा गिर गया। चल कोई सीन नहीं होता रहता है छोटा मोटा। अभी भाई आपके भाई की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है और मुझे उसका भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि भाई जितनी मर्जी हाइट हो मतलब मेरे पैर जो वो लग ही जाते हैं। यहाँ से लेते हैं भाई शॉर्टकट सीधा पक्की पे, और राहुल को करते हैं भाई फिर से आगे। भाई पैर गंदा हो गया बंदे का पूरी तरह से, और आप ये भाई सड़क देख रहे हैं गली भयंकर, बिल्कुल चारों तरफ से भाई झाड़ियाँ निकली हुई है। ओह तो भाई आज तो मज़ा आ गया, थोड़े बहुत गंदे भी हो गए, ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए लेकिन चलो इतना ही ठीक है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग आपको पता है इतनी ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, मतलब ठीक है सिस्टम। और बाकी जो है 11 बजे के बाद वो आपका सिस्टम जो है बारिश का है टोटली। तो भाई हमने शॉर्टकट ले लिया, राहुल आगे था लेकिन राहुल अब पीछे हो जाएगा हमसे। ओह तो भाई ये देखो लंबे पैरों का फ़ायदा देख लो, कितनी नीचे पकड़ ली भाई बाइक, और कोई छोटा बंदा होता तो उसकी अभी गेम हो गई थी, जैसे अभी राहुल की हुई पीछे, पैर लगे नहीं तो भाई बाइक जो गिरानी ही पड़ी। भाई एक तो भाई आज की ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा गलत थी, तो भाई बाइक की हालत आप देख सकते हैं आगे से, भाई टैंकी हैंडल सब कुछ गंदा हो गया भाई, इतना ज़्यादा भयंकर मिट्टी उठा रखी है, और सीट की भी भाई काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। तो भाई पूरी बाइक भी वॉश करानी पड़ेगी भाई अभी हमें जाके इसके बाद। तो फिर भाई वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें हमारी वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिवा ट्राइब्स को। जय शंकर महाराज।